जी सब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं. अनियाज़ पेरेंट्स हैव अरेंज्ड ब्रंच सॉर्ट ऑफ थिंग टुडे एंड आज उन्होंने बोला था कि ज़रा जल्दी उठना, बट जितना उन्होंने बोला था उतना ही लेट हो गए बिकॉज रात को सही से सो नहीं सका एंड अभी तकरीबन 4 बज रहे हैं. तो मैं उठा था सुबह लेकिन मैं दोबारा सो गया. तो अभी काफ़ी ज़्यादा कॉल्स हैं कि यार नीचे आ जाओ, तो नीचे चलते हैं. भाई भाई कॉलिंग में जब से कुछ रेडी नहीं था. सब रेडी है, एवरीथिंग इज कमिंग. क्या रेडी है जी? कॉफी. अच्छा जी कहाँ है? मैं सुबह बरिस्टा मोड में थी बहुत. अच्छा फ्रस्ट्रेटेड बरिस्टा. तुमने पढ़ा था? तुमने पढ़ा? आज फ्रस्ट्रेटेड मैं करती हूं. आज मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है कलर से. हां मुझे भी लग रही है. ये मेरे टाइप का कलर लग रहा है जी. जाना हां जी. कॉफी किसने बनाई है तुमने? मैंने खुद बनाई. इंस्टेंट कॉफी है? ठंडे हो रहे हैं यार, तुम लोग जल्दी चलो. आपने मुझे कितनी देर पहले बुलाया? अभी कब से बुला रहे हैं? फोन करें इनसे पूछो. प्लेटें खाली हैं? वो भी प्लेटें खाली. स्लीप इट्स इम्पॉसिबल टू वेक यू. मेरा फोन काटा ठीक है. मैंने तुम्हें कॉल की, तुमने मेरा फोन काटा. फिर आनिया ने दुनिया में नींद में किसी का फोन नहीं उठाता. नहीं तो तुमने काटा. फिर आनिया ने की, तुमने आनिया का काटा नहीं लेकिन उठाया नहीं. फिर आनिया ने बोला बेटा अगर मैं ऊपर चली गई ना फिर सबके लिए बुरा होगा. चुप चुप तो तुमने कॉल बैक कर ली. मैंने नोटिस किया आपने हलवा रखा हुआ है. यहाँ नहीं वहाँ रखा हुआ है. लेकिन मैंने आपको बोला था मैं डाइट पे. कल तुमने 75,000 चॉकलेटें खानी है. वो मामन मेरा कौन सी डाइट है वो? ऐसे फ्लिप करते हैं. ये क्या है? ऑमलेट. ये क्या बनाया आपने? ऑमलेट का गुतावा. मैंने कहा मम्मा देखिए यार ऐसे फ्लिप करते हैं. अच्छा नहीं मम्मा ने बोलते ऐसे नहीं फ्लिप करते, ऐसे फ्लिप करते हैं. और ऐसे करके पूरा टूटा. और ये पता क्या कर रही थी? बस मामा ने बोला ऐसे नहीं होता है लेकिन मैं थर्ड एग्जॉस्ट पे भी लगने वाला था. फिर इसलिए ऐसा लग रहा है. और यहाँ पे हलवा आ चुका है, पराठे आ चुके हैं. ये पराठे को आधा किलो देसी घी में तो होंगे नानिया? अली हमजा आपको वो बदनाम कर रहा है. अली भाई मैंने तो नहीं किया. बोल रहे हैं आधा किलो देसी घी में बनाए हैं. अच्छा आपने घी कितना डाला है? ये देखो ये 1 किलो घी में से पूरा डब्बा खोला था आपने. हलवा भी बना है और ये 8 पराठे बने. ये देखो ये कितना बचा है. अभी रात को भी इस्तेमाल हुआ था 3 पराठों के लिए. आया बड़ा डाइट कॉन्शियस. ये घी बजाए आप कॉफी. अरे कॉफी डाइल्यूट हो रही है. पानी बन गई है कॉफी. अच्छा चलिए पी लेते हैं फिर. तो इतना देखा जितना देखा जा सकता पर दो आंख से कितना देखा जा सकता. अच्छा जी कॉफी का ये सीन है कि अनिया इतनी एक्साइटेड इसलिए क्योंकि इसमें ना डिफरेंट बीन्स अनिया ने डाल के ट्राई किए और कह रही बड़ी लवाजा होया. एवरीवन नोस दैट. तो ये जरा मैं रिव्यू करने वाला हूँ. हम लोगों का सेमेस्टर था और हम लोग सेमेस्टर सारी रात जाग के हम लोग पेपर देने गए थे. हम लोग पता है कितने 37 आवर्स से जागे हुए थे. And we were like loaded with Red Bull and coffee and God knows how exam देके आए हैं. And we were so hungry, so hungry. We need to and Haya said very good. Anya, तूने Anya, कराची फूड की बिरयानी, कराची फूड best बिरयानी है, best बिरयानी है. ऐसे बिरयानी तो कभी ज़िंदगी नहीं. फरहान बिरयानी तो अच्छी है. फरहान is nice yeah. फरहान is the best. कराची फूड की बिरयानी कभी नहीं खाई. हम लोग semester से 36 घंटे से सोए हुए नहीं थे और हम सीधा कराची फूड गए रॉन्ग वे लेके लंबा रास्ता लेके. इट वाज सो बैड. कराची फूड कराची फूड जो इतना फेमस है किस लिए फेमस है? बिरयानी. अच्छा इन माय डिफेंस मैंने वो खाई थी बंस रोड पे तो मेरी ब्रांच का फर्क होगा. तुमने वो शायद पे खाई ना और उस वक्त मैं बहुत भूखी थी और जो गर्म गर्म बिरयानी आई थी जो बीफ और फिर जो आलू थे
अच्छा हया की ना, हया की फूड रिकमेंडेशन का मैं आपको एक सीन बताता हूँ। हया बताया करती है, हया ने मुझे एक दफ़ा बोला यार ब्रो पुणा, अच्छा मैंने उसको बोला मैं गुलशन बाजार ब्रो उस तो जाना ब्रो वहाँ पे ना वो पास्ता और ब्रो वो बर्गर ना बड़े पैसे क्या बहुत पैसे क्या ब्रो ट्राई ना बट सुगुस्तो मैं वहाँ अच्छा मैं गया, मैंने कहा मेरी साली ने किया है ठीक है रिकमेंड, मैं जाऊँगा वहाँ पे कैसे ना जाऊँ। मैं गया, मैंने उसको बोला हया ने जो बोला मैंने ऑर्डर किया, हया ने बोला ब्रो वहाँ का वो ना फेटुचिनी पास्ता करना और ब्रो वो तुम बीफ बर्गर करना। अच्छा तो ना मैंने ऑर्डर कर लिया। अच्छा जैसे ही पास्ता और बर्गर आया ना, वो जो पास्ता था दैट वाज सो बैड एंड द बर्गर वाज ड्राई। माय डिफेंस मैंने खाया तो फर्स्ट जो जिस दिन खुला था उसमें तुम्हारे बहुत ज्यादा डिफरेंस। बाद में जो क्वालिटी गिर गई होगी। मेन्यू बताया, मेन्यू क्या है? मेन्यू है जी आलू की तरकारी, सूजी का हलवा और हया का ऑमलेट जिसे मैंने फ्लिप किया था और मेरे बल वाले पराठे क्रंची क्रिस्पी। रियली आपने तो कहा था कच्चे हैं, मैं डर गई। मम्मा शक्ल से इधर के शक्ल से इतने अच्छे लग रहे हैं कि मतलब जो अचारी टेस्ट आ रहा है। अरे भाई मेरा भी तो कोई नाश्ता दे दो, कहाँ है डाइट वाले हमेशा सफर करते हैं। फेयर कि आप सबके साथ नहीं खाती, अलग से अपना वो खाती। नहीं बेटा आई डोंट वांट टू वेस्ट मेरी डाइट। नहीं है? हाँ संडे को डाइट छुट्टी होती है। ऑफ कोर्स मैम पक्की हो गई। ब्रो आलू की मैं प्लेट दो। इनकी डाइट स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये इतनी डेडिकेशन के साथ गई, डेडिकेशन। हाँ इतना सही है। तो जी कल हम खा रहे थे, मैं चॉकलेट खा रहा था, मैंने बोला मैं कहा ये छोटी सी ये बाइट ले लें। मैंने बहुत मिनते की डार्क चॉकलेट, शी लव्स इट। नहीं खाई, मीठे की दुश्मन है, शी डिडंट हैव अ सिंगल बाइट। दुश्मन नहीं, मीठे की नंबर वन फैन। हाँ तो वही ना, दुश्मन एज इन यू नो शी डिस्ट्रॉयज इट बट शी डिडंट। आई वाज इंप्रेस्ड। मैंने जब ईद पे ब्रेक लिया 3 दिन का तो आई गेन 2 kg। मतलब ये डाइट का कसूर नहीं था, आई वेंट 2 overboard। मतलब वाटर वेट के अलावा भी, मतलब आम खा रही हूँ, शीर खुरमे खा रही हूँ, मीठा बहुत खा रही हूँ एंड चार दफ़ा प्रॉपर खाने खा रही हूँ। आई गॉट वरीड फॉर अ मिनट और मेरी वरी ये थी कि कहीं वापस से मैं ट्रैक पे आ ना सकूं कि इतना मुझे खाने का हो गया। बट नो, व्हेन आई स्टार्टेड उसके बाद नहीं, क्योंकि मुझे जब रिजल्ट नजर आता है। मामा से पतला क्यों होना है आपको? पतली तो है ऑलरेडी आप। You mean I'm old? अब क्या करना है पतला होके? Did you hear me say that? No. Yeah, ये जो है ना सीधी बात जो है ना अच्छी नहीं लेनी। और पहले ऑमलेट तोड़ती है मेरा, फिर डाउट करती है मेरी तारीफ को। आई एम नॉट श्योर कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया या नहीं कराया। तो अनिया की दोस्त है मारिया, जिसको हम बोलते हैं तूनियो। सो शी इज़ मोर फेमस बाय द नेम ऑफ तूनियो देन एक्चुअल मारिया। तो मारिया इज़ द एक्चुअल नेम। तो तूनियो बिकॉज हैदराबाद से ही है, तो तूनियो गॉट मी समथिंग फ्रॉम हैदराबाद, समथिंग वेरी फेमस। तूनियो कैन यू प्लीज़ गिव इट टू मी? तूनियो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सो शी इज़ अनियाज व्हाट सिस्टर, बेस्ट फ्रेंड। दिखाओ जरा, ये तुम्हारी शक्ल ही नहीं नजर आ रही, लोगों को पता कैसे चलेगा? ना अच्छी भी नहीं लग रही कोई। आई गॉट यू दिस। व्हाट? अ वेरी ओवरहाइप्ड केक। नहीं यार, मैंने लास्ट टाइम खाया था, बहुत अच्छा यार था। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ओवरहाइप्ड। अच्छा, ये क्या था? ये मैक्रोन्स है और ये भी आनिया की बनाना ब्रेड है। ये तो ओह ये मेरी नहीं है, ये तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये खोल के दिखाओ। आई लव दिस सो मच। अनबॉक्सिंग is a chocolate cake. It's not overhyped. It is overhyped. Thanks, bro. वो क्या है? दिखाओ। Macaroons. आनिया ने कहा खोलो नहीं, वो fresh नहीं रहेंगे, खोलो नहीं डांट रही थी मुझे। खैर बंद कर देंगे ना खोल के। उसको कौन समझा है ना? बहुत ज़्यादा perfectionist होती है। चींटियाँ आ गई हैं। ओह I'm mad at Anya. Same. Perfect. Oh. क्या करना था? कौन सा खा सकते थे? तो किस्मत बहुत खराब हो गई यार, अब खा नहीं सकते। Fresh रख के चींटियां आ गई। चींटियों वाले। Oh, and another news, बारिश हो रही है एंड सारों को जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ऊपर आ जाएं, बारिश में नहाना है। एंड मैं सोच रहा था कि यार इतने टॉर्चर की क्या जरूरत है, बट देखते हैं कि सीन क्या है एक्चुअली। ये आपको नजर आ रहा होगा कि बारिश फुल स्विंग में है, ऊपर क्या सीन है देखते हैं। फाइनली जी बारिश में नहाना धोना हो गया, अब ज़रा चलते हैं इसको सुखा लें और नहा लेते हैं। ईमान स्लिप तो नहीं होंगे? अगर आप पक्के पाँव रखें, सब पक्के पाँव रख के आए क्योंकि सीढ़ियाँ गीली होंगी।
ओके ग्रिल को पकड़ लेता हूँ।